नमस्कार। नीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी भिंडी पकोड़े। क्रिस्पी भिंडी पकोड़े को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली, उसे अच्छी तरह से धो कर के सुखा लिया और उसे इस तरह से पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है मैंने। और इसके लिए मैंने आधा कप बेसन लिया है, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर ग्रेट करके लिया है, नमक लगेगा स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, अजवाइन है 1/4 चम्मच से कम, अमचूर लिया है मैंने 1/4 चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले भिंडी में सभी मसाले डाल दूंगी। हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्ची, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर को मिला देंगे। नमक और इन सभी चीज़ों को हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसमें पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी। मैंने सभी मसाले, भिंडी और बेसन कॉर्नफ्लोर डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है सभी चीज़ों को। इधर मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब मैं भिंडी को तलने के लिए डाल दूँगी। मैंने इन्हें पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक तल लिया है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इसी तरह से बाकी की भी तैयार कर लूँगी तल करके। मैंने बची हुई भिंडी को भी डाल दिया है इसमें तलने के लिए। ये भी तल करके तैयार हो गए। हम इन्हें निकाल लेती हूँ, गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इन्हें सर्व कर देती हूँ। गर्मा गर्म क्रिस्पी भिंडी पकौड़े बन करके तैयार हैं। इन्हें मैंने सर्व कर लिया है। इन क्रिस्पी भिंडी पकौड़े को आप नाश्ते की तरह भी खा सकते हैं, सॉस चटनी के साथ में या खाने के साथ में भी, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप भी इन्हें बनाइए, खाइए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए।